बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी उर्दू बाल भारती दूसरी जमात की किताब से पेज नंबर 20 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ये वाला पेज है, पेज नंबर 30 है। ओके, यहाँ देखिए पेज नंबर 30 है। और ये हमने कल जो इससे पहले पीरियड में पढ़ा था बेटा, सबक काम की बातें, उसकी ये मशक़ी सरगर्मियाँ हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और मुझे करके भेजिएगा। ओके, यहाँ देखिए हमको क्या करना है, सही हर्फ लिख कर लफ्ज़ पूरा करो। अब ये बा लिखा है, इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, गैन, तो क्या हो जाएगा, बाग। ओके ठीक है, यहाँ देखिए बाग। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तेलिफ्ता ज लिखा है ना, तो हमको यहाँ पर हे लिखना है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ताज़ा। ये देखिए ताज़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बद, क्या लिखा है सिर्फ बेटा, नंबर 3 में बद, तो हम आगे क्या लगाएंगे, नून। ओके, यहाँ देखिए ये हमने क्या लगा दिए, नून, तो क्या हो गया बेटा, बदन। ओके, अब ये देखिए सवाल नंबर 6, खया, खया लिखा है ना, या लिफिया खया, तो हम यहाँ पर लाम लगा देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ख्याल। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लगाना है और आप लोगों को पढ़ना भी बेटा, ख्याल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए स्वाद अलिफ सा, तो हम आगे क्या लगाएंगे बेटा, फे, तो क्या हो जाएगा, साफ। यहाँ देखिए, ओके, अब नंबर 5 देखिए क्ला, क्या लिखा है बेटा, क्ला, काफ लाम अलिफ ला, तो हम आगे क्या लगा देंगे, सीन, तो क्या हो जाएगा, क्लास। ओके, क्लास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह रखकर जुमला दोबारा लिखना है, क्या करना है हमको, ये पहले अल्फाज हमको पढ़ना है ना, दरख्त, होशियार, कसरत, सेहतमंद, जिस्म, है ना। अब यहाँ पर नंबर 1 में है, वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है, तो पेड़ के नीचे निशान है ना बेटा, मतलब पेड़ की जगह हमको क्या इस्तेमाल करना है, जी हाँ, दरख्त, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वो जो सामने नीम का दरख्त नज़र आ रहा है। ये देखिए टीचर ने लिख के बताया ना, वो जो सामने नीम का दरख्त नज़र आ रहा है, क्या किया हमने, पेड़ के बदले क्या लिखे बेटा, दरख्त। ओके, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, अंडरलाइन वाला कौन सा है बेटा, बदन, तो बदन के लिए दूसरा लफ्ज़ क्या है, जी हाँ, जिस्म, है ना, तो हम क्या बनाएंगे, जुमला क्या बनाएंगे बेटा, साफ़ हवा में दौड़ने से जिस्म में ताकत आती है, बदन की जगह हम क्या लिखेंगे, जिस्म। ये देखिए, है ना, यहाँ बदन हटा देंगे और क्या लिखेंगे, जिस्म। अब नंबर 3 देखिए, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए, तो ये जो तंदुरुस्त है बेटा, उसके लिए क्या है अल्फाज, दूसरा क्या लफ्ज़ है बेटा, सेहतमंद, है ना, तो हम तंदुरुस्त हटा के क्या लिखेंगे, सेहतमंद रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। ये देखिए है ना, सेहतमंद लिखे ना, सेहतमंद रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, फिर जब हम सेहतमंद लिखेंगे बेटा तो ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर 4 देखिए, जब भी तुम क्लास में इतनी आगे हो, अब आगे का दूसरा लफ्ज़ क्या है बेटा, आगे के लिए होशियार, है ना, आगे हो मतलब होशियार हो, तो हम क्या लिखेंगे, जब भी तुम क्लास में इतने होशियार हो, है ना, ये देखिए होशियार, आगे हटाकर हमने आगे कट करके क्या लिखा, होशियार, है ना, तभी तो क्लास में इतने होशियार हो, है ना, तभी तुम क्लास में इतने होशियार हो, यहाँ तो की जगह बेटा तुम आएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर 5, मैं पहले वर्जिश करता हूँ, अब वर्जिश की जगह पर दूसरा लफ्ज़ क्या है बेटा, कसरत, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, मैं पहले कसरत करता हूँ, वर्जिश हटा देंगे और हम क्या लिखेंगे, मैं पहले कसरत करता हूँ, है ना, ये भी लिखेंगे ऐसा नहीं बेटा, ये हटाकर हमको ये लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो, यहाँ पर 3 लफ्ज़ दिए हैं हमको, बीच में खाली जगह में लफ्ज़ लिखना है बेटा, सुबह के वक्त हवा डैश होती है, डैश होती मतलब, डैश का मतलब होता है खाली जगह, है ना, तो कैसी होती है बेटा, सुबह के वक्त हवा साफ,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साफ, ये देखिए है ना, साफ। नंबर दो है खुली और ताज़ा हवा में डैश लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बेटा, दौड़, चल, सांस, क्या लेना चाहिए, जी हाँ सांस ना, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, सांस, ये देखिए, ओके सांस। और नंबर तीन है सेहत का ख्याल रखने वाला डैश नहीं होता। सेहत का जो ख्याल रखता है वो क्या नहीं होता बेटा, जी हाँ बीमार, है ना, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, बीमार, ये देखिए ना टीचर ने लिखे ना इस तरीके से, आपको यहाँ से बीमार उठाकर यहाँ लिखना है। नंबर चार, मैं अपनी डैश का ख्याल रखता हूँ। किसका ख्याल रखता हूँ बेटा, जी हाँ सेहत का, है ना, तो हमको सेहत कहाँ लिखना है बेटा, यहाँ लिखना है, ठीक है, ये देखिए है ना, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। ओके अब नेक्स्ट देखिए बेटा, और आप अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है बेटा तो ये वीडियो आप लोग बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ को चौकोन में लिखिए। उलट लफ्ज़ मतलब बेटा उल्टा, जैसे दिन है तो रात, है ना, काला है तो गोरा, है ना, काला है सफ़ेद, सफ़ेद है तो काला, तो इसी तरह दूर, दूर का क्या आएगा बेटा उलट लफ्ज़, जी हाँ वेरी गुड, पास, क्या आएगा बेटा, पास, ये देखिए है ना, दूर, पास। अब साफ, साफ का उल्टा क्या होगा बेटा, गंदा, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे वेरी गुड, गंदा, देखिए है ना। फिर है अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होगा बेटा, जी हाँ बुरा, है ना, बुरा, हम यहाँ पर लिखेंगे बुरा, ये देखो बुरा, है ना। अब ये देखो सुबह, सुबह का उल्टा क्या होगा बेटा, जी हाँ शाम, है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शाम। बहुत ही ईजी है बेटा, आप लोग ध्यान से करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके अब देखिए, सही जवाब पर सही का निशान लगाओ। एक जुमला दिया हुआ है बेटा और इसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तीन जवाब है, तो जो सही है हमको निशान लगाना है, ठीक है। जैसे है नंबर एक, मैं तो वहाँ तक दौड़कर, है ना, मैं तो वहाँ तक दौड़कर दो चक्कर लगा सकता हूँ, चार चक्कर लगा सकता हूँ, तीन चक्कर लगा सकता हूँ। खालिद ने क्या कहा, दो चक्कर लगा सकता हूँ, तो हमको इसको क्या टिक करना है बेटा, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से टिक करना है ना ऐसे। अब देखिए नंबर दो, सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से नंबर एक जवाब है नींद आती है, नंबर दो है मज़ा आता है और बदन में ताकत आती है, तो कौन सा जवाब सही है बेटा, जी हाँ है ना ये वाला, बदन में ताकत आती है, तो हमको इसको टिक करना है। ओके यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए नंबर तीन, तंदुरुस्त रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए देखो तीन जवाब है, खूब खाना खाना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, ज़्यादा आराम करना चाहिए, तो तीनों में से कौन सा सही है बेटा, जी हाँ साफ़ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। ओके तो हमको इसको टिक करना है, ये देखिए है ना, टिक है। इस तरीके से बेटा ये मशक़ सरगर्मी इस पेज की हो गई है, पेज नंबर 30 की सरगर्मियाँ हो गई है। ये मैं इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजूंगी, फ़ोटो आप लोग देखकर, जिसका अधूरा रह जाएगा बेटा वो देखकर लिख लेगा। ओके ठीक है, और जो इसके बाद वाला पेज है बेटा उसका भी मैं आप लोगों को फ़ोटो लेकर भेजूंगी, आप लोग उसमें से कॉपी करके लिख लेना, ठीक है बेटा, और मुझे उसका फ़ोटो भेजेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।